ऐसे ही और सदाबहार वीडियोस देखने के लिए शिमारू चैनल को सब्सक्राइब करें। ज्वाला से बने लोहे के इस जिस्म के लिए इन गहनों की जरूरत नहीं। आपका ये शेर तो गीदड़ निकला, चिल्लाते क्यों? हम मौजूद हैं। अबे तू तो मरवाएगा, ये अपनी रियासत नहीं है, बैठ जा नीचे। मरवाएगा नहीं, मारूंगा। शुक्र है आपने पहचान तो लिया। हाँ तो राजकुमारी सहवा, अगर हमने आपके शेर को हरा दिया तो इनाम में क्या मिलेगा? जो तुम मांगोगे मिलेगा ना, मुकर तो नहीं जाएंगे। जानते हो किससे बात कर रहे हो? तुमसे नहीं, राजकुमारी से बात कर रहा हूं। हमने कह दिया सो कह दिया। ज्वाला से बने लोहे के इस जिस्म के लिए इन गहनों की जरूरत नहीं। शहजादी साहिबा, आपका ये शेर तो गीदड़ निकला। आपके पास सही मानों में कोई शेर हो तो एक नहीं दो भेजिए, मैं तैयार हूं। गुलाम इनाम के लिए हाजिर है। मांगो जो मांगना है। आपकी आवाज में खुशी कम और मजबूरी ज्यादा है राजकुमारी साहिबा। मांगो, क्या मांगते हो? आपका हाथ। गिरफ्तार कर लो उसे। We'll be right back.
राजकुमारी साहिबा, आपने तो हमें इनाम नहीं दिया, लेकिन हम आपको कुछ देकर जरूर जाएंगे। जश्न तो कल है, आज क्यों लेने आए हो? हम लोग अभी अभी तो जहाज से उतरे। हम तुम्हें लेने नहीं आए सरदार, हम एक आदमी को ढूंढने आए हैं। यहाँ तो कोई भी नहीं आया है। ठीक है, हम खुद तलाशी लेते हैं। रगड़ दे, ये ले। अरे जल्दी कर, सोच क्या रही है? तू भी तो बस आहिस्ता आहिस्ता चलो। आहिस्ता कौनती, ये अचानक तेरे हाथों में मर्दानगी की कहां से आ गई? अरे बाबा, ये मेरी पीठ है, कोई भैंस की खाल नहीं। थोड़ा प्यार से कौनती, तू इतने चुप चुप से क्यों है? थोड़ी देर पहले तो तेरी जबान बड़ी चबड़ चबड़ कर रही थी, ये एकदम बोलती कैसे बंद हो गई? हाँ जी, वो क्या है कि मेरे पीछे सिपाही लगे हुए। अच्छा, तो इसलिए बोलती बंद है। बस क्या आवाज? सुनिए, भगवान के लिए पहले मेरी बात सुन लीजिए, अगर यकीन ना आए तो जी भर कर चिल्लाइए, मैं आपको नहीं रोकूंगा, आपकी कसम। बोलो। देखिए, बात दरअसल ये है कि मैं एक गवैया हूँ, यहाँ का सिपा सलार मुझे जबरदस्ती फौज में भर्ती करना चाहता है। मैं चाहता हूँ कि आप राजकुमारी के यहाँ गाना गाने जा रही हैं, मुझे भी एक मौका मिले। तुम गा सकते हो? अरे मैं गा भी सकता हूँ और बजा भी सकता हूँ। ठीक है,
वो कपड़े लेके आ। हाँ जी जी, जी। उधर देखो जी जी। बड़ा दिखी लेखा आवाज ठीक हो जाएगी, एपी गला साफ हो जाएगा। अबे इस नवाबजादे का गला ठीक करो वरना कल राजकुमारी हमें जलाकर राख कर देगी। अरे ऐसे कैसे जलाकर राख कर देगी, इस छुछुंदर के सिवा दुनिया में और कोई गवैया नहीं है क्या? ये देख गवैया ढूंढ कर लाई हूँ। कौन है, कहाँ से आया है? तुझे इससे क्या, गाना गवा और छुट्टी कर। कौन है, कहाँ से आया है, ये सब पूछने की तुझे क्या जरूरत है? जरूरत कैसे नहीं, मैं इस कबीले का सरदार हूँ और तू मेरी मंगेतर, मत बोलना ये। अरे हाथ छोड़, मैंने कब कहा कि मैं इससे शादी करने जा रही हूँ? अगर किसी से शादी का नाम भी लिया ना तो जान से मार डालूंगा। नीच, तेरी कंदी जबान पर हमारी बहन राजकुमारी का नाम आने की हिम्मत कैसे हुई? बोल कौन है तू? आपको शायद कम नजर आता है, मैं भी आपकी तरह एक इंसान हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि आप जिस रोटी को सोने और चांदी के बर्तनों में खाकर घमंड का डकार लेते हैं, हम गरीब उसी रोटी को मिट्टी के टूटे फूटे बर्तनों में खाकर भगवान का गुणगान करते हैं। बदतमीज, हम तुम्हें वो मौत मारेंगे कि एक बार मौत भी कांप उठेगी। ये आपके हाथों नहीं हमारे हाथों मरेगा। इसने हमारा अपमान किया है, इसका बदला हम खुद ही लेंगे। आप जाइए। अच्छा हुआ आप आ गई, वरना माँ कसम आपके इस भूत जैसे भाई से मार खाने में बिल्कुल मजा नहीं आता। आज हम तुम्हें वो मजा चखाएंगे कि तुम जन्म जन्म तक याद रखोगे। जन्म जन्मांतर तक साथ निभाओगे, इसीलिए तो भरी सभा में तुम्हारा हाथ मांगा था। जरा अपने माथे से पसीना तो पोंछ लीजिए, मुझे यकीन है मेरे मरने से पहले आप मुझ पे मरने लगेंगी। तुम तो हमारी नफरत के लायक भी नहीं हो। इतना लायक तो रखना ही पड़ेगा राजकुमारी साहिबा। हम तुम्हें पहली सीढ़ी पर ही खत्म कर देंगे। राजकुमारी की जय हो, अवधपुर के राजकुमार सुजान सिंह आए हैं। राजकुमारी साहिबा हमारे लिए जगह नई है, आपके बगैर बड़ा सूना सूना लगेगा, जरा जल्दी आइएगा। जल्दी आएंगे लेकिन सौगंध खाकर जाते हैं कि जब तक तुम्हारे खून से हाथ ना रंग ले उनका दाना तक नहीं छूएंगे। हम भी सौगंध खाते हैं, जब तक अपने खून से आपकी मांग नहीं भर देंगे अन्न तो क्या पानी तक नहीं पिएंगे। बदतमीज, मां कसम इसका बदला भी हम बड़े प्यार से लेंगे। राजकुमारी जी, सिपाही खाली हाथ लड़ता है, धर्म सिंह को गिरफ्तार नहीं कर सके। हम कुछ नहीं सुनना चाहते, कल सूरज डूबने से पहले उसे जिंदा या मुर्दा हमारे सामने हाजिर किया जाए। गुलाम हाजिर है राजकुमारी साहिबा। हुस्न याद करे और इश्क नहीं आए, ये तो मोहब्बत की ताहीन हुई। अच्छा हुआ तुम यहाँ खुद चले आए, भरी सभा में अपना हक मांगना शायद आपको नागवार गुजरा, इसलिए तन्हाई में इल्तिजा करने चला आया हूँ। लगता है तुम्हारी मौत हमारे हाथों लिखी है। मैं भी तय करके आया हूँ कि अपनी मौत का सामान अपने साथ ले जाऊंगा, इस वादे के साथ कि आपको सही सलामत महलों में वापस पहुँचा दिया जाएगा। बदतमीज, जानते नहीं पल्लवी हमारी मंगेतर है? माँ कसम धर्म सिंह लोहार के अलावा आपका हाथ थामने वाला कोई दूसरा माई का लाल पैदा नहीं हुआ। सोच क्या रहे हो सुजान सिंह, क्या तुम्हें अपने बाजुओं पर भरोसा नहीं? शायद इसे आप पे भी भरोसा नहीं रहा। मगर मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है। तो फिर आ जाइए ना। लड़कियों गिरफ्तार कर लो इसे, सिपाहियों गिरफ्तार कर लो इसे, सिपाहियों सिपाहियों गिरफ्तार कर लो, पकड़ो इसे। देख लिया राजकुमारी,
मेरे जो कदम प्यार की राह की तरफ चल पड़े हैं उन्हें ना तो आपका गरूर और ना आपके सिपाही आगे बढ़ने से रोक सके। और यही कदम एक दिन तुम्हें मौत के पास ले जाएंगे। आपको पाने के लिए एक क्या हजार जाने कुर्बान, और फिर जब सामने इतना हसीन कातिल हो तो मां कसम मौत कितनी हसीन होगी। याद रखना, तुम्हारी मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं, हम खुद होंगे। मिटाइए शौक से, मिटाइए राजकुमारी साहबा, ये मर्द का खून है, इतनी आसानी से नहीं मिटेगा। आपने मेरे खून से अपने हाथ रंग लिए और मैंने उसी खून से आपकी मांग भर दी। इस तरह आपका वादा और मेरी कसम दोनों पूरे हुए। अब जाकर अन्न जरूर खा लीजिएगा, मैं भी थोड़ा बहुत पानी पी लूंगा। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, आईने में सूरत देखकर अगर मेरी याद आ जाए तो शर्म से सर झुका लीजिएगा। हाँ, यहां नहीं, महल जाकर अकेले में आईने के सामने। ए राजा, ये तेरे यार की अमानत है, इसे बड़ी हिफाजत से महल तक छोड़कर आना, समझा? हाँ, समझ गया, जा। मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी जाओ मेरे कपड़े ले आओ। राजकुमारी जी, आपके माथे पे ये खून। खून? राजकुमारी, राजकुमारी, मैंने आपको कहां कहां नहीं ढूंढा, आकाश पाताल सांप छान मारे। जहन्नुम में ढूंढा आपने? जी जी नहीं। तो जाइए वहीं ढूंढिए। अपने आप को मर्द कहते हैं आप? मर्द तो एक तरफ, आप तो औरत कहलाने के भी लायक नहीं, फुलफिल कहीं के। आप तो खाम खा नाराज हो रही हैं। वक्त आने दीजिए, मैं उसे एक न एक दिन तलाश करके रहूंगा, और जिस दिन वो हरामजादा मिल गया ना, मैं अपनी तलवार से उसकी गर्दन काट कर आपकी चरणों में पेश कर दूंगा। आप काटेंगे? आपके बाजू में वो शक्ति और तलवार में वो धार है जो फौलाद को काट सके। फौलाद? जी हाँ, वो फौलाद से ज्यादा मजबूत है, शेर से ज्यादा ताकत है उसमें, और खून में वो गर्मी है जैसे पिघला हुआ सीसा दौड़ रहा हो। खून तो हमारा भी बहुत गर्म है राजकुमारी, अगर फौलाद पर छिड़क दो ना तो उसमें भी छाले पड़ जाए। अच्छा, जरा हाथ दीजिए। लीजिए। उल्मा, दर्द हो रहा है? नहीं। जरा इसे माथे पे लगा दीजिए। लीजिए। अब इसे पोंछ डालिए। लीजिए। आप इसे खून कहते हैं? ये खून तो पानी से भी पतला है। बहादुर का खून इतना गाढ़ा होता है कि एक बार जहां लग जाए वहां बड़ी मुश्किल से मिटने वाला निशान छोड़ जाता है। राजकुमारी जी, खून तो मेरा भी बहुत गाढ़ा था, लेकिन वो क्या है कि कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना। पल्लवी, तुम ठीक तो हो ना? उस कमीने ने तुम्हारे साथ कोई गुस्ताखी तो नहीं की? पल्लवी ने आज तक किसी गुस्ताख को जिंदा छोड़ा है? वो घाव दिया है उसे कि जब तक जिंदा रहा मौत के लिए दुआ मांगता रहेगा। Thank you.
ये तुम्हारे जख्म कैसे लगा? आओ आओ मेरे साथ। खून काफी बह गया है, कुछ कमजोरी तो नहीं महसूस कर रहे? मर्द का खून और औरत के आंसू जब तक ना बहे उनकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। इन पत्तियों से जलन तो काफी होगी लेकिन जख्म बहुत जल्द भर जाएंगे। लोहार हूं बाबा, आग की तपस सह जाता हूं, ये तो मामूली पत्तियां हैं। एक बात मानोगे, अपने आप को इन महलों और राजकुमारियों से दूर रखो वरना ये शरीर का जख्म नासूर बनकर दिल में उतर जाएगा। अब तो बहुत देर हो चुकी है बाबा, मैं आग में कूद चुका हूं, अब शरीर जले या आग बुझे इसकी कौन परवाह करता है। कभी मैं भी यही समझा था, अपनी औकात भूलकर जवानी के जोश में एक ऐसी ही आग में कूद पड़ा था। आग तो बुझ गई लेकिन मैं आज तक उसमें चल रहा हूं। ये तो अपनी अपनी किस्मत की बात है, अगर आप मेरी मदद करें तो मैं इस अनहोनी को होनी साबित कर सकता हूं। मैं समझा नहीं। मालिक ने इन बाजू में इतनी ताकत दी है कि लोहे की सलाखों को कपड़े की तरह कलाई पर लपेट सकता हूं, मगर उसी लोहे की बनी हुई तलवार को आपकी तरह चला नहीं सकता। बाबा कहते थे आप जैसे समुराय चलाने वाला पैदा नहीं हुआ, अगर आप समुराय मुझे सिखा दें तो। नामुमकिन है। लेकिन क्यों? मैंने फैसला किया है कि ये समुराई या तो अपने बेटे को सिखाऊंगा या किसी मर्द के बच्चे को जो इसके काबिल हो। तो मुझे अपना बेटा समझकर ही सिखा दीजिए। नहीं, ना कोई मेरा बेटा है और ना मैं किसी का बाप हूं। तो किसी बहादुर बाप का बेटा समझकर ही सिखा दीजिए। इसे चलाने के लिए लोहे का जिगर और फौलाद का कलेजा चाहिए। तुम अभी बच्चे हो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। ये बात है तो फिर हो जाएं दो दो हाथ, अभी पता चल जाएगा लोहे का जिगर किसका है और किसका नहीं। जाओ बेटे घर जाओ, अभी जख्म ताजा है, फिर से खून न बहने लगे। ये क्यों नहीं कहते मुझसे लड़ने की हिम्मत नहीं है आपने, डरते हैं आप। मुंह संभाल कर बात कर वरना। इसके तो धनी हैं आप, जरा इसे फेंक कर आइए। माँ कसम इस हालत में भी आपको पूरा पढ़ सकता हूँ। क्या ही तुम्हारी रगों में किसी मर्द का खून है, हम तुम्हें सिखाएंगे। शाबाश शेरू। समुराई का पहला सबक, बाया हाथ आगे। वह
सुमराई का दूसरा सबक। सुमराई अपनी और दूसरों की जान बचाने के लिए है, जान लेने के लिए नहीं। इसलिए तुम वार करो, मैं बचाना सिखाता हूं। नहीं, रुक जाओ। धर्म, तीसरा सबक, आंख तलवार की तरफ नहीं, सामने वाले की आंखों में कड़ी रखो, कभी तुम धोखा नहीं खाओगे। पेट का वार इस तरह काटोगे तो तलवार पेट को चीरती हुई पीठ के बाहर निकल आएगी। मैं बताता हूं। बाजी भी, ये तो अपना भी लाभ निकला। मेरा दोस्त है वीर सिंह। दरअसल ये समझ रहा था हम आपस में लड़ रहे हैं। शाबाश, आज जिंदगी में पहली बार एक नहीं दो वीरों से मुलाकात हुई है। हाँ मेरे बच्चों, क्या बताऊं मां, आज एक वीर पुरुष के दर्शन हुए। क्या तलवार चलाते हैं, ना तलवार नजर आती थी ना तलवार का वार नजर आता था, बस वार का चमत्कार नजर आता था। पढ़ते ही एक के तो रामू ने अपना गुरु बना लिया है, कौन से तलवार चलाना सीख रहा है। ऐसे वीर पुरुष को अपने साथ लेकर क्यों नहीं आए, हम उन्हें अपना सेनापति बना लेते। मैंने बहुत कहा लेकिन वो नहीं माने, बोले हम राजमहल नहीं जाएंगे। क्यों? वो तो कुछ नहीं बताया माँ। और हाँ माँ, उनके पास एक ऐसा बाज है। बाज?